नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप उसे तुरंत आपको मिल सके। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे के यदि छाती में कफ जम जाती है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। जैसे कि साल, डेढ़ साल, दो साल तक के बच्चे जो होते हैं, मतलब जन्म से लेके दो साल तक के, ढाई साल तक के बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे के छाती में कफ जम जाते हैं तो बहुत माएं परेशान हो जाती है। तो यदि आपके बच्चे के छाती में कफ जम गया तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, जब भी जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसी टाइम एक छोटी डब्बी में थोड़ा सा शुद्ध घी जो होता है, गाय का हो चाहे भैंस का, घर का घी हो चाहे बाजार का, थोड़ा एक डब्बे में घी निकाल के रख ले, ताकि वो थोड़ा पुराना हो सके। साल भर पुराना हो जाता है तो बहुत ही दवाई का काम करता है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होती हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी घर में थोड़ा सा घी आप एक डब्बे में डाल के रखिए। पुराना घी बहुत सर्दी में यूज आता है। तो यदि आपके बच्चे की छाती में कफ जम गए हैं और वो नहीं निकल रहे तो आप पुराना घी थोड़ा सा लीजिए, अंगली में लेके देखिए, बहुत स्मेल हो जाती है पुराने घी में। तो थोड़े से घी को लेके बच्चे के छाती में उसको रात को सोने के टाइम पे, या दिन में भी जब वो सोना जाता है, बच्चा जब सोया हुआ रहता है तो उसकी छाती पे ऐसे करके मालिश करके घी के उसको अच्छे से उड़ा के उसको सुला दीजिए। ये तो हुआ एक नुकसान। दूसरा, आप उसको जितना ज्यादा हो सके गर्म पानी पिलाइए। गर्म, जितना नुआया पानी जितना बच्चा गर्म पी सकता है उतना ही गर्म दीजिएगा, बहुत ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं और उन्हें तकलीफ होगी ज्यादा गर्म पानी देने से। तो जैसे जितना गर्म दूध वो पीते हैं उतने गर्म पानी, उसे ज्यादा से ज्यादा उसे पानी पिलाइए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिलाते हो ना तो गर्म पानी क्या होता है, कफ को थोड़ा पिघला देता है। तो कफ पिघलाने की वजह से जब वो कफ पिघल जाता है तो बच्चे के पोटी के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। छोटे बच्चे को के लिए कफ यदि बाहर निकालना तो सबसे बेस्ट दवाई है, आप उसको गर्म पानी पिलाइए ज्यादा से ज्यादा। और सरसों तेल को थोड़ा गर्म करके उसकी हथेली पे मालिश करिए, ऐसे करके। ठंड का समय है और बच्चे को बहुत सर्दी लग रही है और उसके सर्दी कफ एकदम जम गया है, तो सरसों तेल को गर्म करके उसके हाथ हथेली पे ऐसे करके जोर जोर से मालिश करिए। उसके पगथली पे, जैसे पाव की जो पगथली होती है उस पे भी उसके खूब अच्छे से गर्म तेल की मालिश करिए। सरसों तेल ही होना चाहिए देखिएगा, क्योंकि सरसों तेल सर्दी में बहुत फायदा करता है। सरसों तेल की आप बहुत अच्छे से मालिश करिए और उसके बाद उसको आप सॉक्स पहना दीजिए, पाव में, हाथ में ग्लव्स होता है तो वो पहना दीजिए। उससे बच्चों को बहुत राहत मिलती है और सर्दी में भी बहुत आराम होता है। उसके साथ साथ आपको एक और उपाय करना है, जैसे गुल टिकिया होती है, टिकिया हो चाहे गोएठा हो, गोबर का जो गोएठा होता है ना वो होता है, या उसकी टिकिया भी बनी हुई मिलती है, तो वो आप एक गर्म कर लीजिए गैस पे, बहुत अच्छे से उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको आप एक बर्तन में रख लीजिए, प्लेट में या कटोरी में रख लीजिए, दो तीन टिकिया ले लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से उसको गर्म करके फिर एक बर्तन में ले लीजिए। फिर अजवाइन जो होती है ना, अजवाइन को उस बर्तन के ऊपर में आप ऐसे करके बुरकिए, बर्तन के ऊपर, मतलब जो गोएठा है जला हुआ, टिकिया या गोएठा या कोयला कुछ भी आप ले सकते हो। गर्म करने के बाद जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी अजवाइन डालते रहिए। अजवाइन डालने के बाद देखिएगा धुआं उड़ेगा, थोड़ा सा धुआं उठता है, अजवाइन का धुआं निकलता है, तो उस धुएं को आप ऐसे करके हाथ में लेके बच्चे के छाती पे ऐसे करके सेक करिए। गर्म धुआं लीजिए और बच्चे की छाती पर ऐसे सेक करिए, जब तक वो टिकिया गर्म है तब तक ऐसे करिए। फिर दो तीन एक मिनट बाद में जो अजवाइन आपने डाली है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, तो फिर दूसरी ताजा अजवाइन और डालिए। फिर देखिएगा जैसे आप अजवाइन डालोगे थोड़ा सा धुआं और निकलेगा, जैसे वो धुआं निकलता है उसको हाथ में एकदम गरम गरम लेके बच्चे के छाती में गरम गरम आपको लगाना है। गरम उतना ही लगाना है जितना वो आप और बच्चे दोनों सहन कर सके। जस्ट ऐसे गरम किया, उसके धुएं से हाथ को गरम किया और ऐसे लगाया, धुएं से गरम किया और ऐसे लगाया, तो यहाँ पे गर्माहट मिलने की वजह से बच्चे की कफ थोड़ी थोड़ी पिघलने लग जाती है, तो उससे आपको बहुत ही बच्चे को फायदा मिलेगा। तो ये सारी क्रियाएं यदि आप एक साथ करते हैं तो बच्चे को बहुत ही फायदा करेगा और आपके बच्चे की सर्दी यदि बैठी हुई तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगी। तो आपको मैंने जैसे बताया, गर्म पानी पिलाना भूल से भी ना भूले, और यदि आपके घर में पुराना घी नहीं है तो तुरंत बच्चे के लिए आप दो ढाई साल, तीन साल, चार साल तक भी बच्चों के यूज कर सकते हो पुराने घी को, उसकी छाती में लगा सकते हो यदि कफ जम गया है।
तो तुरंत आप एक डब्बे में जाके घी को डाल के, शुद्ध घी होना चाहिए, डालडा घी नहीं होना चाहिए, शुद्ध घी को आप एक छोटे से डब्बे में डाल के रख दीजिए, 2-3 महीने उसको पुराना होने दीजिए। 3-4 महीने बाद में पुराना इतना हो जाता है कि वो दवाई का काम करने लग जाता है। तो उस घी को भी आप यूज कर सकते हो। पानी आपको गर्म पिलाना है, पुराना घी आपको छाती में लगाना है, बच्चों के 2 टाइम सोते वक्त दोनों टाइम आप लगा दो। सरसों तेल की हाथ में, पगथली में, हथेली में और छाती में भी आप सरसों तेल की मालिश आप कर सकते हो। गर्म सरसों तेल की मालिश आप छाती में ऐसे करिए। जितनी गर्म चीज आप छाती पे लगाएंगे ना, उतनी बच्चे को कफ को पिघलने में लाभकारी होगा। और अजवाइन का सेक देना कभी भी मत भूलिएगा, अजवाइन का सेक बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो ये बच्चों के सर्दी जुकाम होने पर आप इन चीजों को करिए, देखिए आपके बच्चों को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, अलविदा।